जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोमैडो स्टडी। साथियों, आजकल हमारे विभाग में बहुत सारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं और उन योजनाओं का नाम इस प्रकार है कि जैसे हमें लगता है कि हिंदी का कोई मीनिंगफुल शब्द है, लेकिन उस शब्द में हर एक अक्षर का मीनिंग छुपा हुआ है। यानी कि जिन योजनाओं का नाम हम इस्तेमाल में ला रहे हैं वो सब एब्रीवेशंस हैं और उनके अलग अलग फुल फॉर्म हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं एब्रीविएशंस की फुल फॉर्म जानेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। और यदि आपको पसंद आए और मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ ही लाइक करना भी ना भूलें। सबसे पहले हम बात करेंगे दीक्षा, जिस पर आजकल हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स चल रही हैं। इसमें डी फॉर डिजिटल, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, के फॉर नॉलेज और SHE फॉर शेयरिंग, यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसे MHRD भारत सरकार ने विकसित किया था। MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति लागू होने पर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और इस समय हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक। दूसरा है निष्ठा, जिसमें N फॉर नेशनल, I फॉर इनिशिएटिव, S फॉर स्कूल, H फॉर हेड एंड T फॉर टीचर्स, H फॉर होलिस्टिक और A फॉर एडवांसमेंट, मींस नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। यानी कि हिंदी में यदि हम कहें तो स्कूल प्रमुख और शिक्षक उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल। ये भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए और देश के लोगों का सरकारी स्कूलों के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए इस आरंभ की गई थी। इसमें हम लोगों को अभी 18 मॉड्यूल ऑनलाइन ट्रेनिंग द्वारा दिए गए हैं। हम सभी ने अभी अभी 18 मॉड्यूल पूरे किए हैं। इससे 42 लाख टीचर जो कक्षा 1 से 8वीं कक्षा तक पढ़ाते हैं उनको मुफ्त में प्रशिक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है शारदा। शारदा इसका बहुत ही सिंपल सा फुल फॉर्म है, स्कूल हर दिन आए। स्कूल हर दिन आए यानी कि बच्चे जो हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं वो हमारे विद्यालय के माहौल से इस तरह उत्साहित प्रोत्साहित रहें कि उन्हें हर दिन स्कूल आने का मन करे। तीसरा है शगुन। शगुन इसका भी बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है, शाला गुणवत्ता, यानी कि हम अपने विद्यालय की इस तरह गुणवत्ता बढ़ाएं कि सभी बच्चे प्रतिदिन स्कूल आने के लिए उत्साहित रहें। नेक्स्ट है यू डाइस। इसमें यू फॉर यूनिफाइड, डी फॉर डिस्ट्रिक्ट, आई फॉर इंफॉर्मेशन, एस फॉर सिस्टम एंड ई फॉर एजुकेशन, यानी कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली। इसमें हमें 11 अंकों का एक कोड मिलता है जिससे हमारे विद्यालयों की पहचान की जाती है। इसमें पहले के 2 कोड राज्य को, उसके बाद के 2 अंक जिले को, उसके बाद के 2 अंक ब्लॉक को और उसके बाद के 3 अंक गांव या शहर को दर्शाते हैं तथा अंत के 2 अंक विद्यालय को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है प्रेरणा। प्रेरणा में P फॉर प्रोग्राम, R फॉर रिजल्ट, E फॉर एनहेंसमेंट, R फॉर रिसोर्स, N फॉर नर्चरिंग एंड A फॉर असेसमेंट। दैट मींस प्रोग्राम फॉर रिजल्ट, एनहेंसमेंट, रिसोर्स, नर्चरिंग एंड असेसमेंट। यह उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ही एक प्रयास है। इस प्रेरणा मिशन को सभी 75 जिलों में स्टार्ट किया गया है। 75 जिलों के लगभग 1.1 लाख से अधिक विद्यालय और 3.5 लाख से अधिक शिक्षक तथा लगभग 1.2 करोड़ छात्र इससे लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट है MDM। MDM मीन्स M फॉर मिड डे मील, यानी कि मध्यान्ह भोजन योजना। यह भोजन योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयास से संचालित की गई थी। भारत सरकार द्वारा यह योजना 15 अगस्त 1995 को लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चों को 80% उपस्थिति पर प्रतिमाह 3 किलोग्राम गेहूं अथवा चावल दिए जाने की व्यवस्था थी। परंतु बाद में 1 सितंबर 2004 से कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पका पकाया भोजन विद्यालय में ही दिया जाने लगा। इसके बाद अक्टूबर 2007 से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी बच्चों को पका पकाया भोजन देने की व्यवस्था आरंभ कर दी गई। नेक्स्ट है इराक। इराक ERAC, ये आधारशिला मॉड्यूल में दिया गया एब्रिविएशन है, जिसमें ई फॉर एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव,
आर फॉर रिफ्लेक्शन, साथियों माफ करिएगा इसमें एफ लिखना टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, एफ नहीं लिख पाए हैं शायद, इसका मीनिंग है चिंतन। ए फॉर एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग, सी फॉर कंसोलिडेशन यानी कि निष्कर्ष समेटना। एक्सपीरियंस जो कि बच्चों को पाठ पढ़ने से पूर्व होता है, ये हमारे एक शिक्षण योजना का हिस्सा होते हैं। एक्सपीरियंस से हमें ये पता चलता है कि बच्चों को उस पाठ के बारे में क्या पता है पहले से ही। इसके बाद रिफ्लेक्शन में बच्चा उस पाठ से संबंधित क्या सीख रहा है, उसका कितना एनालिसिस कर रहा है, जो पाठ हम उसको कक्षा में या किसी भी तरीके से उसको हम पढ़ा रहे हैं। ए फॉर एप्लीकेशन, वो पढ़े हुए पाठ का किस तरह उपयोग कर रहा है, उसका उसको प्रयोग में ला रहा है। और सी फॉर कंसोलिडेशन यानी कि उसने उस पाठ से कितना सीखा, ये निष्कर्ष यानी कि समेटना। नेक्स्ट है एल एस आर डब्ल्यू, एल फॉर लिसनिंग यानी कि सुनना, एस फॉर स्पीकिंग यानी कि बोलना, आर फॉर रीडिंग यानी कि पढ़ना, एंड डब्ल्यू फॉर राइटिंग दैट मीन्स लिखना। यह भी आधारशिला मॉड्यूल में दिया गया है। यह भाषा को सीखने सिखाने का एक क्रम है। जो कक्षा एक में बच्चा आता है या जिसे हम कह सकते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, वो पहले सुनकर सीखते हैं यानी कि सुनना, एल फॉर लिसनिंग। दूसरा स्पीकिंग, सुनने के बाद वो बोलना सीखते हैं, और उसके बाद आर फॉर रीडिंग यानी कि बोलने के बाद वो पढ़ना सीखते हैं, और जब बच्चा थोड़ा बोलना पढ़ना समझने लगता है तब फिर उसके बाद वो लिखना आरम्भ करता है। इस वीडियो का लास्ट एब्रीविएशन है ELPS। इसके बाद और भी एब्रीविएशन है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में लाऊंगी, इसको अभी हम देखते हैं। ई फॉर एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, एल फॉर लैंग्वेज यानी कि भाषा, पी फॉर पिक्चर यानी कि चित्र, एस फॉर सिंबल यानी कि प्रतीक। ये गणित शिक्षण के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें बच्चों को जो एक्सपीरियंस वातावरण से मिला होता है, उसके बाद वो उस भाषा जो सीखते हैं, पिक्चर देखकर पहचानना सीखते हैं, चित्रों के अनुसार अपना दिमाग लगाते हैं कि ये क्या है, चौकोर है, गोल है, किस तरह की बॉल है, बॉल का शेप क्या होता है, या आइसक्रीम कोन का शेप क्या होता है, वो पिक्चर से पहचानना सीखते हैं। और एस फॉर सिंबल यानी कि प्रतीक, गुणा, भाग, घटाना, जोड़ना, इन सब के चिन्ह वो पहचानना सीखते हैं। साथियों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में इसको शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।